हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि मैंने मेरी गेट एग्जाम की प्रिपरेशन किस तरह से की है। तो वो पूरा का पूरा गाइडेंस आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने जिस तरह से प्लानिंग की थी वो बता दूँ कि मैंने मेरी गेट एग्जाम की स्टार्टिंग जो प्रिपरेशन थी वो फोर्थ सेम से कर दी थी, यानी कि आज से 2 साल पहले। और मैंने प्रिपरेशन और स्ट्रेटेजी यूज की थी मंथ वाइज प्लानिंग की, तो यानी कि एक मंथ में एक सब्जेक्ट। चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि मैं किस तरह से आपको बताना चाहता हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने एक गेट टाइम टेबल करके एक नोटपैड फाइल बना के रखी है। ये पूरी की पूरी एक नोटपैड फाइल है, आप ऊपर यहाँ पे देख सकते हो। अब इसके अंदर मैंने क्या कर रखा था, तो सबसे पहले मैंने ऊपर ही लिख के रखा था कि गोल मुझे गेट एग्जाम में इतने मार्क तो मिनिमम लाने ही लाने हैं। तो आपको भी सबसे पहले ऊपर यहाँ पे अपना गोल लिख देना है, और इसके बाद नीचे पूरा का पूरा आपका जो सिलेबस है वो लिख देना है। यानी कि मैं कंप्यूटर में और मेरा पेपर कोड था CS, तो मैं जितना भी मेरा सिलेबस है वो मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा सिलेबस आपको जिस तरह से आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये मेरा पूरा का पूरा सिलेबस है। उसके बाद मैंने इस तरह से कुछ मेरा प्लानिंग किया था, यानी कि मैंने प्लानिंग स्टार्ट की थी जुलाई और अगस्त 2023 से। तो मैं इन दोनों मंथ्स में मैं जनरल एप्टीट्यूड्स यानी कि जनरल मैथमेटिक्स की पूरी प्रिपरेशन करने वाला था। और इसके लिए मैं क्या यूज करने वाला था, इसके लिए मैं रेफरेंस में यूज करने वाला था गजेंद्र पुरोहित और गेट एकेडमी की यूट्यूब चैनल। तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि मैं किस तरह से मैंने मंथ वाइज प्लानिंग की रही। अब जुलाई और अगस्त में मैं गेट के अंदर सिर्फ जनरल मैथमेटिक्स में ही फोकस करूंगा, इसके अलावा मैं कुछ भी गेट का नहीं पढ़ूंगा। अब उसके बाद जैसे ही सितंबर स्टार्ट होगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा कि उसके बाद फिफ्थ सेमेस्टर में मैं उस टाइम पे था फिफ्थ सेमेस्टर में, तो मैंने इस तरह की कुछ स्ट्रेटेजी अपनाई थी कि मैं जो भी सेमेस्टर में हूँ और उसी सेमेस्टर में जो भी गेट का सब्जेक्ट आता है मैं वो दोनों एक साथ कंबाइन करूंगा। यानी कि मैं सितंबर में था फिफ्थ सेम में और मेरा गेट का एक सब्जेक्ट था थियरी ऑफ कंप्यूटेशन। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि थियरी ऑफ कंप्यूटेशन गेट का सिलेबस है, तो मैंने फिफ्थ सेम में ये गेट का सब्जेक्ट भी किया था और साथों साथ मेरी इंजीनियरिंग की सेमेस्टर की भी पढ़ाई की थी। तो ये होता है 2-in-1 एडवांटेज, यानी कि आप गेट भी करोगे और उसके साथ आप इंजीनियरिंग की भी पढ़ाई करोगे, तो ये आपके लिए एक बेनिफिशियल साबित हो सकता है। अब इसके लिए मैंने रेफरेंस लिया था जावा टी पॉइंट और गेट स्पेसर पर से। तो ये मैं नीचे क्या करता हूँ कि सबसे नीचे मैं लिखता हूँ रेफरेंस, उसके बाद मैं सब्जेक्ट्स, उसके ऊपर सब्जेक्ट्स नाम और उसके ऊपर कौन से मंथ में कितना प्रिपरेशन करना है, वो सब कुछ मैंने इसी तरह से प्लानिंग की थी। तो आप यहाँ पे देख सकते थे कि उसके नीचे है अक्टूबर, जिसमें मैं एल्गोरिदम सब्जेक्ट्स करूंगा, नवंबर में प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर, कहाँ से रेफरेंस लूंगा, अब्दुल बारी यूट्यूब चैनल प्लस रविंद्र बाबू डावला यूट्यूब चैनल पर से। दिसंबर और जनवरी में मैं स्टार्ट करूंगा डिजिटल लॉजिक। अब यहाँ पे मैंने 2 महीने क्यों लगाए, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कि मेरी सेमेस्टर एग्जाम होगी दिसंबर के अंदर, तो मैं 2 महीने देके एक ही सब्जेक्ट क्लियर करूंगा, और इसके लिए है नेसो एकेडमी यूट्यूब चैनल। फेब्रुआरी में मैं ये सब्जेक्ट्स करूंगा और उसके लिए मेरे पास ऑफलाइन वीडियोस है, कॉलेज का असाइनमेंट्स है, NPTEL का वीडियो लेक्चर्स है। इसके बाद अप्रैल में ऑपरेटिंग सिस्टम, मई के अंदर कंप्यूटर नेटवर्क, जून के अंदर डेटाबेसेस, और जैसे ही पूरा का पूरा सब कुछ खत्म हो जाए उसके बाद मुझे इस पे फोकस करना है, ये बड़ा सा सेक्शन। तो चलिए देखते हैं कि इसके अंदर मैंने किस तरह से प्लानिंग की थी। तो जुलाई और सेप्टेम्बर में जैसे ही वो खत्म हो जाए, मतलब जून में सब कुछ खत्म हो जाए, क्लियर हो जाए, उसके बाद स्टार्ट करनी है मॉक सीरीज, मॉक एग्जाम पेपर। तो इसमें होता क्या है कि जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट होती है वो अपना खुद का गेट का पेपर निकालते हैं, तो वो सीरीज मुझे अटेम्प्ट करनी है। मुझे मिनिमम गेट के 25 मॉक सीरीज अटेम्प्ट करने थे, तो मैंने इसी तरह से मैंने प्लानिंग सेट किया था। उसमें मुझे पेपर सॉल्व भी करना रहता है, उसके लिए पेपर का रिव्यू करना रहता है। रिव्यू किस तरीके से कि मुझे कौन से क्वेश्चंस में कितना टाइम लगता है और कहाँ पे मुझे सबसे ज्यादा डिफिकल्टी रहती है, और हाउ टू स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस। तो ये पूरा का पूरा जैसे ही मैं 10 सेक्शन क्लियर कर दूंगा, उसके बाद मैं ये पूरा का पूरा सेक्शन फॉलो करूंगा, जिसमें मैंने आपको यहाँ पे समझाया कि किस तरह से मैं करूंगा। और लास्ट में है कि पेपर मेरे हाथ में आ गया तो स्टार्ट कैसे करे, कौन से में सबसे ज्यादा फोकस करे, कौन सा सेक्शन सबसे पहले अटेम्प्ट करे, कौन सा सिलेबस में से कौन सा क्वेश्चन सीख लिया वो ढूंढे। तो ये जैसे ही आप मॉक सीरीज के एग्जाम दोगे आपको इजिली पता चलेगा कि आपको किस तरह से पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। सो लास्ट में मेरी टिप्स यही रहेगी कि जैसे कि मैंने ये वाले सेक्शन में बताया कि मेरी जो यहाँ पे
फिफ्थ सेम में कैसे मैंने बताया कि मेरे सेमेस्टर के अंदर भी ये सब्जेक्ट था थियरी ऑफ कॉम्पिटिशन, वैसे ही मैंने गेट में भी ये सब्जेक्ट लिया, तो दोनों कंबाइंड रखना है, सेट सब्जेक्ट ऑफ अ मंथ सेम इन योर सेमेस्टर। इसमें मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो सेमेस्टर के अंदर आपकी पढ़ाई चल रही होगी उसी टाइम पे आप वो महीने के अंदर वो गेट का सिलेबस रख सकते हो, ठीक है। डोंट गो फॉर 10 out of 10 सब्जेक्ट, ये मेरी एक आपके आपके लिए एक छोटी सी एडवाइस रहेगी। काफी सारे स्टूडेंट्स 10 में से 10 सब्जेक्ट करने जाते हैं, बट मेरा सजेशन ये रहेगा कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन 10 out of 10 सब्जेक्ट, जस्ट फोकस ऑन 7 to 8 बट 100% ऑफ श्योरनेस। यहाँ पे कहना क्या चाह रहा हूँ कि आप 10 में से 10 सब्जेक्ट बिल्कुल मत कीजिए, आप फोकस कीजिए 7 या फिर 8 के ऊपर, बट वो जितने भी 7-8 करोगे उसमें आपके पास 100% श्योरिटी होनी चाहिए कि मैं जो भी ये 7 या फिर 8 सेक्शन में से जो भी क्वेश्चंस करूंगा उसमें मैं 100% मेरा आंसर कॉन्फिडेंट होना चाहिए। तो आपको इस तरह से प्रिपरेशन करनी है, ना कि 10 में से 10 सब्जेक्ट करके सभी में कंफ्यूज होना है। तो ये मेरी एक टिप्स आपको काफी काम में आएगी अगर आप इसको फॉलो करोगे तो। सो दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। आई होप गाइस कि आपने आज के वीडियो से कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो रिलेटेड कुछ भी डाउट हो देन प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू न्यू टू द माय चैनल देन सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन।